चलो, एक वायर है, एक क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, 12 ओम पर मीटर है, बेंड फॉर्म ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वायर है 12 ओम पर मीटर रेजिस्टेंस है, एंड रेजिस्टेंस बिटवीन द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी। अब ए एंड बी दो अपोजिट पॉइंट है डायमेट्रिकली, सपोज करो एक वायर है और ये पॉइंट ए है और जस्ट इसके अपोजिट पॉइंट बी है, तो अगर देखो इसका रेजिस्टेंस, एक वायर है जो रेजिस्टेंस आर जो है वो 12 ओम है पर सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर पर मीटर है, सॉरी पर मीटर है, तो ये पर मीटर यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर ये वाली रेजिस्टेंस, ये लेंथ देखोगे और ये लेंथ देखोगे तो दोनों इक्वल है, तो इसका रेजिस्टेंस आर वन है तो इसका भी आर वन ही होगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ इक्वल है भाई। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये लेंथ हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी होती है 2πr, और ये 2πr टोटल लेंथ 2π, हाँ 2π स्मॉल r इज द रेडियस, तो ये हाफ हो जाएगा तो इसकी लेंथ पाई आर हो जाएगी, तो दिस इज द लेंथ, अपर लेंथ पाई आर, लोअर लेंथ ऑल्सो पाई आर, तो अपर लेंथ की रेजिस्टेंस आर वन की जो वैल्यू आ जाएगी, लेंथ पर सेंटीमीटर आपको पता है, तो ये 12 और मल्टीप्लाइड बाई एल, 12 मल्टीप्लाइड बाई एल, इट इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से मुझे पर सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो रेजिस्टेंस 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो रेजिस्टेंस एल वन आ जाएगा 12, और लेंथ की वैल्यू यहाँ से पाई आर है, तो यहाँ से आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई पाई, और आर की वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, तो 10^-2 मीटर, तो ये वाली चीज़ हमें मिल गई, ये रेजिस्टेंस आर वन आ गया, ठीक है। अब अगर इसको देखोगे, इस डायग्राम को देखोगे, तो लोअर हाफ, लोअर का रेजिस्टेंस आर वन है और नीचे का भी आर टू है, दोनों लेंथ इक्वल है, तो ए और बी के पॉइंट, ए और बी के क्रॉस अगर देखोगे तो ये रेजिस्टेंस आर वन अपर ऐसे कनेक्टेड है और लोअर वाला जो है, ये लोअर वाला पार्ट वो ऐसे कनेक्टेड है आर टू, बराबर है, तो अपर आर वन ऐसे कनेक्टेड है, लोअर आर टू ऐसे कनेक्टेड है, तो अगर मैं इसको देखूंगा यहाँ से, ये वाली जो रेजिस्टेंस बनी और ये वाली जो रेजिस्टेंस बनी, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो नेट रेजिस्टेंस आर नेट जो पूछ रहा है क्रॉस ए बी के, आर नेट क्रॉस ए बी इज इक्वल टू आर वन बाई टू, जब ये आर वन है, आर वन और आर टू आपस में इक्वल होंगी ये वाला, तो आर वन बाई टू दोनों पैरेलल में होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा 12 और मल्टीप्लाइड बाई पाई और मल्टीप्लाइड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाई 10^-2 और डिवाइडेड बाई 2, तो अगर इसको देखोगे तो ये आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया 6 टाइम्स कट गया, और ये पॉइंट मतलब 6 पाई और मल्टीप्लाइड बाई 10^-1, तो 6 पाई इंटू 10^-2 10^-1, तो ये आ जाएगा 12 पर मीटर था, तो ये 10 सेंटीमीटर था, तो ये आ जाएगा पाई आर, और पाई आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू दिया हुआ था कंप्लीट ए रेडियस 12, रेडियस 10 सेंटीमीटर था, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से अगर मैं, हाँ तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 0.6 पाई ओम, ठीक है, एक नंबर है ना, ये एक नंबर है, एक डिजिट है, 0.6 पाई आई